कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा। और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। संतोष सुमन ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। ललन सिंह ने कहा कि संतोष सुमन ने कहा है कि वो अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं। ललन सिंह से जब यह सवाल पूछा गया है कि जीतारा मांझी और उनके बेटे ने आरोप लगाया है कि जेडीयू उनके पार्टी का विलय चाहती थी, इस पर ललन सिंह ने दो टुक्स बता दिया कि इसमें बुरा क्या है, गलत क्या था। छोटे छोटे दुकान चलाने से अच्छा होगा कि एक बड़ी दुकान चले, यानी जनता दल यूनाइटेड में हम का विलय चाहते थे नीतीश कुमार। ललन सिंह यह चाहते थे कि जीतारा मांझी अपने पार्टी का विलय कर दे, लेकिन जीतारा मांझी इस बात पर नहीं माने। नीतीश कुमार और ललन सिंह के तमाम बातों को दरकिनार कर मांझी ने नीतीश कैबिनेट से अलग होने का फैसला किया और बेटे को इस्तीफा दिला दिया। जीतारा मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा कि वो आगे गठबंधन में नहीं चल सकते हैं। ललन सिंह का कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है वो बेबुनियाद है। तमाम विपक्ष के नेता एकजुट होंगे, उसमें मांझी के अलग होने से कोई खास फायदा उनको नहीं होने जा रहा। ललन सिंह ने यह भी कहा कि जीतारा मांझी हाल के दिनों में किस तरीके से दूसरे पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे थे वो सबको पता है। इशारे में ललन सिंह ने साफ बता दिया कि मांझी तो बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे थे, यही वजह है कि मांझी को विलय करने की बात कही गई थी, लेकिन मांझी जेडीयू को कच्चा देते हुए पार्टी को विलय करने से मना कर दिए और नीतीश तेजस्वी के प्लान को जो सपना था उसे चकना चूर कर दिया। सुनिए ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। श्री संतोष मांझी जी और उनका त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा कि निजी कारणों से अब हम आगे साथ चलने में असमर्थ। तो अब हम लोग ये मानते हैं उन्होंने महागठबंधन छोड़ दिया। तो सर छोड़ दिया तो उनके जगह पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा ना, किसी को जगह ये तो मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, कब विस्तार करेंगे, किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसमें हमारा आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में, दिया कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते वो। विलय का संघर्ष करने की क्या बात, विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा, तो इसलिए इसमें बुराई क्या है। अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते। तो महागठबंधन आप महागठबंधन इच्छा छोड़ने की उनकी थी, ये हम वकील आपको इस्तीफा तो उन्होंने त्याग पत्र दिया।